नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार में भीमराव अंबेडकर के बहाने दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है बीजेपी और जदयू, और इसमें कौन हो पाएगा सफल, खबर को विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां जातिगत वोट बैंक को साधने में जुट गई है। कल पूरे बिहार में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई। बीजेपी की ओर से राज्य भर में अंबेडकर जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम किए गए, तो वहीं जेडीयू की ओर से अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या को प्रकाश उत्सव मनाया गया। आज पार्टी मुख्यालय से अंबेडकर की प्रतिमा तक कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसके साथ ही दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए जदयू भीम दाव चल रही है। दलितों से सीधा जुड़ने के लिए पार्टी 4 अप्रैल से राज्य भर में भी भीम चौपाल का आयोजन भी कर रही है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा माना जाता है। बिहार में दलितों की बड़ी आबादी रहती है, यही कारण है कि बीजेपी और जदयू की ओर से अंबेडकर जयंती पर कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए वे साबित करने में लगे हैं कि हम बाबा साहेब के कदमों पर चलते हैं। हालांकि उनका असली मकसद दलित वोट बैंक को साधना है। अब सवाल यह है कि आखिर दलितों को साधना इतना जरूरी क्यों है? दरअसल बिहार की राजनीति में दलितों के प्रभाव को समझने के लिए यहां के कुल आबादी में दलितों की संख्या को जानना होगा। बता दें कि राज्य की कुल आबादी में लगभग 16% दलित है। बिहार में दलित वोटों को काफी अहमियत है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इस समुदाय के वोट की दरकरार सभी पार्टियों के लिए जरूरी है। वैसे तो बिहार के हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता हैं, जो जीत हार के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा, काराकाट, खगड़िया, सासाराम, उजियारपुर, समस्तीपुर, बक्सर, हाजीपुर, जहानाबाद और आरा में दलित वोटर्स ही गोटी सेट करते हैं। यहाँ इनकी जनसंख्या 3 लाख से 6 लाख तक है। कहने को तो दलित वोट के कई दावेदार हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दलित के लगभग 6% वोटों पर अभी तक लोक जनशक्ति पीआर का एक अधिकार रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अविभाजित एलजेपी का परफॉर्मेंस 100% रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इस वोट को राम विलास पासवान के परंपरागत वोट माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों के माने तो सारी पार्टियां अभी दलित वोटों पर फोकस कर रही हैं। ओबीसी का स्टैंड अब लगभग क्लियर हो गया है। महागठबंधन में जहां एमवाई के साथ कुर्मी के जोड़ने की बात की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपने साथ कुशवाहा को जोड़ा है। अब ऐसे में चुनाव मार्केट में सिर्फ दलित ही बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी दलित का साथ मिलेगा बिहार में, उनका विजय पताका फहराना लगभग तय माना जाता है। कैसा लगा ये मेरा खबर कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।